ये तस्वीर बोकारो जिले के धोबनी गांव की है। एक लड़का जिसका नाम कृष्णा कर्मकार है, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है और धोबनी का ही निवासी है, चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। कृष्णा पर आरोप है कि कल रात 1 से 2 बजे के आसपास हरिंदर हेमरम की दुकान की चाबी घर से निकालकर दुकान में चोरी करने का बड़ा इरादा था, परंतु जब वो चाबी चुराने घर में घुसा तो घर वालों को इसकी भनक लग गई और दुकान की चाबी नहीं मिलने पर घर वालों ने दुकान की पहरेदारी करने लगे। सुबह कृष्णा से पूछताछ करने पर पता चला कि दुकान की चाबी उसके पास है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने दुकानदार को चाबी दे दी। हरिंदर ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को भी फोन लगाया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उनके 3 साथी और हैं, अमित मातो जो बाधाडी का निवासी है, सूरज तूरी जो मांझी डी डम टोला का निवासी है और एक साथी है सुमित कुमार, जिसका निवास स्थान वो नहीं बता पाया। और उन्होंने ये भी बताया कि कई घरों में इस तरह की चोरी की है, गांजा का चिलम भी उसके पास मिला। बाकी साथियों पर भी आरोप लगाया कि वो लोग भी गांजा और दारू का सेवन करते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि बाधाडी गांव के एक घर में चोरी हुई थी, जिसकी भी बात वो कबूल कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने कृष्णा को हिरासत में ले ली है। पूछताछ के क्रम में आगे कुछ और भी पता चल सकता है। आइए उनके पिताजी क्या कह रहे हैं। इस वक्त उनके पिताजी हमारे साथ में है। जी आपका क्या नाम हुआ? परिचित कर्मकार। परिचित कर्मकार, ये लड़का कैसा है? मैंने घर में भी चोरी कर लेता है। घर में चोरी करता है, कहीं भी जाता चोरी करता है। कहीं भी जाता है चोरी करता है। ससुराल जाता है, कुटुंब घर गया चोरी करता है। शादी इनकी हो गई है? नहीं हुआ है। तो मैंने आपका ससुराल जाता है? हाँ, उसका मामा घर, अपने मामा घर जाता है, वहाँ भी चोरी करता है। वहीं चोरी करता है। आप खूब परेशान है इससे? इससे हम परेशान हो गए। समझाते हैं? नहीं समझता है। समझाते हैं, माल को कितने दिन करेंगे, फिर दूसरा फिर करेगा, एक हफ्ता ठीक रहेगा तो फिर करेगा, तो क्या करें? अच्छा अच्छा, तो अभी इस पर क्या चाहते हैं आपकी? इसको इसे दिमाग सही है कि नहीं है ये बताइए। इसका दिमाग है, दिमाग को उसको ही करवे करेगा, दिमाग का सही है, जो चोरी करेगा चोरी करवे करेगा, दिमाग सही रहेगा, मारेगा पीटेगा एक हफ्ता सही रहेगा, एक हफ्ता फिर तो चोरी करेगा। मारिएगा पीटिएगा तो एक सप्ताह सही रहेगा, बाकी टाइम ये फिर जस की तस ये जो चोरी का काम करता है इधर उधर लुबुर चुबुर वाला, छोटा छोटा चोरी है ये सब करते रहता है। ये इनका पिताजी का कहना है। इनका पिताजी भी काफी परेशान इस लड़का से, इतना परेशान है कि मत पूछिए। और कहीं ना कहीं आज पूरे गांव के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और इसकी हरकत से लोग कहीं ना कहीं शर्मसार है कि आखिर इसकी उम्र कितनी होती होगी। 18 साल पार भेल है, 17-18 साल तो इतना परेशान बाप बोल के किसे है भाई? घर में तो बने भाई, घर में भी नहीं करते ना। अच्छा, घर में भी नहीं? घर में भी नहीं करते। तो कौन का बेटा है तुम? दो और दो बेटा यही लग बोल तो। हाँ, छोटा था? छोटा नहीं, हम पढ़ा लिखा करो। पढ़ा लिखा करो, एक ना पढ़ा नहीं, छोटा तो नहीं पढ़ो ना, की करो छोटा ही? स्कूल को तो एक नंबर सा हो, किताब छाई बांध चली गेलो, काहे आई तो किताब बांध को रे किताब ला का फेंक दिलो जैसे का तब ना एक और घर मान लो दुकान ने चाबी कर के ले तो ले के आ चोरी कर ले। हां आ चोरी कर लो, सारे अपन आधा गाड़ी चोरी कर ले, मैं आधा गाड़ी चोरी कर ले, पाई भी नहीं कर कोई। तो माया का आधार कार्ड? आधार कार्ड हां, माया का आधार कार्ड थोड़ा थोड़ी पैसा फिर हुआ, हम किसे नहीं कर पास झाड़ी देखे हुआ है, फिर पहला वक्त में तो जो उन्हें सोते इसे बताना चाहिए। देखिए इससे इसका बाप परेशान है, पला मुद्दा पेपर भी चोरी। क्या मान लीजिए पेपर भी चोरी जाते हैं, बाप भी जाते हैं, इससे से भी पैसा वैसा निकल रहा है, तो ये सोच के भी आधार कार्ड भी वगैरह चोरी कर रहा है, परेशान है। पेपर होने का पेपर अपना मां का आधार कार्ड गुम कर दिया, अपना आधार कार्ड गुम कर दिया। आधार कार्ड है मेरे पास? तो कहां है, दिखाओ आधार कार्ड है तो। हरा ही नहीं, दिखा 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 आराम।